Welcome student, this is Abhijit sir here. I welcome you in the Sardana Institute. So today, आज का जो हमारा विषय है चैप्टर वन हमसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. और आज का जो हमारा विषय है वो है सेट, ठीक है. तो बच्चों सेट जो है ना वो बहुत प्राइम टॉपिक है. प्राइम टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसे आपको बहुत सारे टॉपिक्स में जो बहुत सारे आपके चैप्टर्स है उनमें आपको इसे यूज करना होता है, ठीक है. जैसे सेट एंड रिलेशंस हो गया, जैसे अलजेब्रा हो गया, ठीक है. और भी बहुत से सब्जेक्ट्स है, और भी बहुत से टॉपिक्स है जिनमें जो हमारा सेट है वो यूज होता है, ठीक है. तो सेट जो है सबसे पहले इसकी परिभाषा या फिर इसका निर्माण जो है वो जॉर्ज कैंटोर ने किया था, ठीक है. जॉर्ज कैंटोर वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन, ठीक है. तो सेट का जो निर्माण है वो हमारे जॉर्ज कैंटोर ने किया था, ठीक है. आज हम सेट को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. आज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेट जो है वो बहुत प्राइम टॉपिक है क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज हुआ है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड दी मैथमेटिक्स, ठीक है. मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमें सेट को समझने की बहुत बहुत अच्छे से समझने की हमें ज़रूरत है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है. आज हम डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है. अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे, इसको हम परिभाषित करना चाहे, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. सेट का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे, उसको परिभाषित करना चाहे, तो उसे हम इस तरीके से कर सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो आप सबको पता है कि कलेक्शन का मतलब होता है समूह, ठीक है. कलेक्शन का जो मतलब है यहाँ पे क्या होता है, समूह होता है, ठीक है. वेल डिफाइंड, ठीक है. तो बच्चों ये जो शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो वर्ड आपको दिख रहा है वेल डिफाइंड, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, ठीक है. क्योंकि सेट जो है इसी के ऊपर से हम पता करते हैं कि कोई भी कलेक्शन सेट है या नहीं है, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे वेल डिफाइंड का जो मतलब है वो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये वेल डिफाइंड शब्द दिख रहा है इसका मतलब ये होता है कि डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है. इसका मतलब ये हो गया कि जो कलेक्शन, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, जो सेम रहता है उसे हम सेट बोलते हैं, ठीक है. अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट. और वेल डिफाइंड से मतलब हमारा मतलब क्या है कि इट इज डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है. जो भी कलेक्शन अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है उसे हम सेट कहते हैं, ठीक है. इसे हम थोड़ा और आसान भाषा में समझने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेंगे, ठीक है. हम एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहां पे लेंगे, ए कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज इन इंडिया, अ कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज इन इंडिया, ठीक है. मान लीजिए यहां पे कोई स्टूडेंट श्याम है, ठीक है, कोई स्टूडेंट श्याम है, तो यहां पे कोई स्टूडेंट है हमारा राम, ठीक है, यहां पे हमारा कोई स्टूडेंट है राम, ठीक है, कोई स्टूडेंट है हमारा राम, ठीक है. और हमने इनसे कहा कि चलो भैया इसका कलेक्शन बनाओ, कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज इन इंडिया, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे बहुत सी कैपिटल सिटीज है, मुंबई है, ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है, जैसे भोपाल की राजधानी, सॉरी एमपी की राजधानी भोपाल होती है, ठीक है. तो अगर हमने इसे कहा कि आप कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज बनाइए, ठीक है, तो मान लीजिए कि शाम ने अपने विवेक से जो नोट कर सकता है, उसने यहाँ पे पहले तो मुंबई नोट किया, ठीक है, फिर यहां पे उसने भोपाल नोट किया है, ठीक है, फिर उसने यहां पे जयपुर नोट किया हुआ है, ठीक है. उसको जितना लिखना है वो लिख सकता है, ठीक है, अपने विवेक के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उसे जितना लिखना है वो लिख सकता है, ठीक है. यहां पे मान लीजिए कि राम जो है, ठीक है, इसने यहाँ पे रायपुर लिखा हुआ है, ठीक है, रायपुर इज अ कैपिटल सिटी ऑफ द छत्तीसगढ़, ठीक है. सपोज इसने यहाँ पे अमरावती लिखा है, विच इज अ कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश, ठीक है. सपोज इसने यहाँ पे हैदराबाद लिया हुआ है, विच इज दी
कैपिटल सिटी ऑफ द तेलंगाना। ठीक है, तो यहां पे बच्चों आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अ कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज इन इंडिया, दो स्टूडेंट अलग स्टूडेंट्स के लिए दो अलग अलग कलेक्शन। ठीक है, दो अलग अलग कैसे है यहां पे कलेक्शन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ठीक है, जो हमारा कलेक्शन है वो कैसा है, पर्सन टू पर्सन कलेक्शन हमारा चेंज हो रहा है। और अगर कलेक्शन हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो उसे हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, ये जो कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, सो इन दिस केस एज दिस कलेक्शन, ये जो हमारा कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेल डिफाइंड। और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारा सेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये कलेक्शन तो है, ठीक है, ये कलेक्शन तो है बट ये हमारा सेट नहीं है। क्यों हमारा सेट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। इसको हमने अच्छे तरीके से हम इस कलेक्शन को परिभाषित नहीं कर सकते और इसी की वजह से ये जो कलेक्शन है वो हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया कि कलेक्शन का मतलब, सेट का मतलब क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है मतलब क्या है कि वो पर्सन टू पर्सन अगर चेंज नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं सेट। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमने एग्जांपल लिया हुआ था, ठीक है, यहां पे अ कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज हमने लिया हुआ था तो वो पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, शाम ने कुछ और सिटीज ली है जो इसको पसंद होगी, राम ने कुछ और सिटीज ली है जो उसको पसंद होगी हमारे विवेक के अनुसार। ठीक है, तो यहां पे ये जो कलेक्शन तो है, ठीक है, कलेक्शन तो है, किसका कलेक्शन है, कैपिटल सिटीज का कलेक्शन है, बट वो जो पर्सन टू पर्सन है वो चेंज हो रहा है। और अगर कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो उसे हम सेट नहीं बोलते हैं। ठीक है, सेट क्या होता है, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, ठीक है, जो भी कलेक्शन वेल डिफाइंड हो। और वेल डिफाइंड का हमारी हमें क्या समझना है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन टू पर्सन वो कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं सेट। ठीक है, सो दिस इज नॉट सेट, ये जो है क्या, ये क्या हो गया हमारा, ये जो कलेक्शन है वो सेट हमारा नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, सेट को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि हमारा सेट जो है वो क्या होता है। ठीक है, किस कलेक्शन को हम जो है वो सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर आप ले सकते हैं, ए कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स, ए कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चों, यहां पे जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहां पे हमने क्या बोला है, ऑल द रिवर्स इन इंडिया मतलब भारत में जो भी नदियां प्रेजेंट है उन सबका समूह। ठीक है, तो भारत में जो भी नदियां बहती है उन सबका समूह सबके लिए सेम होगा, मेरे लिए भी सेम होगा, आपके लिए भी सेम होगा और सबके लिए सेम होगा। तो यहां पे ये जो कलेक्शन आपको दिख रहा है ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये मुझे, मेरे लिए या फिर आपके लिए या फिर किसी और के लिए ये चेंज नहीं हो रहा है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। और अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो सेट कैसा है, कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है। एज इट इज वेल डिफाइंड वी कैन से दैट दिस collection is a set, we can say that this collection is a set because it is well defined। ठीक है, ये जो set collection आपको दिख रहा है ये कैसा है, well defined है, क्योंकि all the rivers in India are same, वो मेरे लिए भी same है और आपके लिए भी same है। तो बच्चों समझ में आया, set क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और वेल डिफाइंड का मतलब हमें यहां पर यह समझना है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, A collection which does not change from person to person. ठीक है, I repeat, a collection which does not change from person to person. अगर वो person to person change नहीं हो रहा है तो वो collection जो होता है well defined होता है। और अगर हमारा collection well defined है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। ठीक है, so clear it, सेट क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो एक और हम एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन
क्लास, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो हमने कलेक्शन लिया हुआ है ऑल द बॉयज इन क्लास, ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि सपोज अगर मान लीजिए किसी क्लास में 20 बच्चे हैं, है ना, मान लीजिए अगर किसी क्लास में 20 बच्चे हैं और हमने आपसे बोल दिया कि भैया उनका कलेक्शन बनाइए, ठीक है, तो सभी के लिए वो बच्चे जो है वो सेम रहेंगे, किसी के लिए वो कम नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कलेक्शन है वो कैसा है? वेल डिफाइंड है। सो दैट्स व्हाई अगेन इट इज अ सेट, ठीक है, इट इज अगेन अ सेट, ठीक है। फिर से हम एक और एग्जाम्पल यहां पर लेके देख सकते हैं, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड है या नहीं, ठीक है, ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो बच्चों ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि बुक्स जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, ठीक है, किसी को मैथ्स की बुक पसंद होगी, किसी को इंग्लिश की बुक पसंद होगी, किसी को इकोनॉमिक्स की बुक पसंद होगी, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है वो कैसा होता है? पर्सन टू पर्सन हमारा चेंज हो रहा है, एज इट इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो एक हमारी धारणा बन गई बच्चों, एक हमारी समझ बन रही है कि सेट जो है वो क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और वेल डिफाइंड का मतलब हमें यहां पे क्या समझना है, अ कलेक्शन विच डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेट, और वो कलेक्शन कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन कि हमें किस कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं या फिर किस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमें देखना है कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट। हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करना मतलब क्या, हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके क्या क्या फॉर्म्स होंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो सबसे पहले आता है कि मेंबरशिप, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, मेंबरशिप। तो बच्चों मेंबरशिप समझने के पहले कुछ चीजें मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, ठीक है, कि सेट जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स से यूज होता है, ठीक है, सेट जो है वो कैपिटल, ठीक है, सेट जो है हमारा क्या होता है, कैपिटल लेटर्स से डिनोट होता है या फिर यूज होता है, ठीक है। सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बच्चों जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर्स से यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स हमारे सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम लोग स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सेट जो है हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे और एलिमेंट जो है बच्चों स्मॉल लेटर्स से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। बच्चों अभी हमने यहां पे पढ़ा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट, ठीक है। तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हर कलेक्शन सेट होता है क्या, है ना, हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सर हर कलेक्शन जो है वो सेट होता है। कि बच्चों हर कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता है, ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें हमने एक कलेक्शन लिया था, कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज इन इंडिया, तो जो कलेक्शन है वो सेट नहीं था, है ना, वो कलेक्शन है वो सेट नहीं था। बट जब हमने दूसरा एग्जांपल लिया कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, उसमें हमने क्या देखा कि वो कलेक्शन जो है वो सेट है। इसका मतलब क्या है कि सेट जो है वो हमेशा कलेक्शन होगा, सेट जो है वो कलेक्शन होगा, बट हर कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होगा। तो बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है कि हर कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता है, बट हर सेट जो है वो कलेक्शन होता है, ठीक है, हर सेट जो है वो हमारा क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने सेट के बारे में देखी है, ठीक है। सेट का हमने डेफिनेशन देखा, सेट के डेफिनेशन में हमने ये देखा कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। उसमें हमने वेल डिफाइंड को हमने बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया। वेल डिफाइंड का हम मतलब हमें ये समझना है कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक चीजें यहां पे देखी कि उसको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट्स जो है हम लोग स्मॉल लेटर्स से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। देन
रिप्रेजेंटेशन में हमें देखना है मेंबरशिप, ठीक है। अगर हमें किसी एलिमेंट को उस सेट का मेंबर शो करना है तो हम कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है, ठीके? उस सेट किसी सेट के एलिमेंट्स को, किसी एलिमेंट को हमें उस सेट का एलिमेंट शो करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पे देखो, मान लीजिए कि ये जो आपका सेट है वो कैपिटल ए जो है आपका सेट है, ठीक है। ये जो कैपिटल ए आपको दिख रहा है वो हमारा सेट है, ठीक है। और मान लीजिए कि हमें क्या शो करना है कि एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, ठीक है। अगर हमें लिखना है कि दिस एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको आप कैसे नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इज एक्चुअली इप्सिलॉन, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, ये इप्सिलॉन है, दिस इज अ ग्रीक लेटर। बट यहां पे हम पढ़ते समय, रीड करते समय हम कैसे रीड करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए, या फिर इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स प्रेजेंट इन ए, ठीक है। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। अगर आप लिखना चाहे किसी एलिमेंट को, उस सेट का एलिमेंट, ठीक है, अगर उस सेट में प्रेजेंट है, अगर आपको ये लिखना है कि दिस एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए, तो आपको इस, आपको आप इस तरीके से उसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, दैट इज एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों रिप्रेजेंटेशन इसका वाला, ठीक है। और सपोज अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, हमें लिखना है अगर एक्स जो है वो ए का मेंबर नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें शो करना है कि एलिमेंट जो है वो उस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर हमें उस सेट का एलिमेंट शो करना है तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, और हमें उस सेट का एलिमेंट नहीं शो करना है तो हम लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये तो बच्चों हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, जिसको जिसे हम सेट के एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं या फिर सेट को हम लिख सकते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है यहाँ पे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो बच्चों इन फॉर्म्स को हम थोड़ा बेसिकली थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, रोस्टर फॉर्म जो होता है उसमें हम एलिमेंट्स जो है वो कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है। मान लीजिए दिस इज कैपिटल ए इज अ सेट, है ना, दिस कैपिटल ए इज अ सेट। सो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है उसको हम कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कॉमा से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 and 5, यहां पे हमने एलिमेंट्स लिए हुए, ठीक है, दिस इज अ नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, वी कैन से इट इज अ नेचुरल सेट, ठीक है। So, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कि जिसमें एलिमेंट्स को जो है हम लोग कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज्ड करते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमें कॉमा से सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने का जो तरीका है, ये जो वे है, ठीक है, ये जो वे है, इसे हम बोलते हैं बच्चों रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देन बच्चों हमारा आता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है, इसे आप जनरलाइज्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम जनरलाइज्ड फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि रोस्टर फॉर्म में हमने क्या किया हुआ है, एलिमेंट्स, पूरे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने से उस सेट में एलिमेंट्स हैं पूरे एलिमेंट्स को हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम आर्बिट्ररी एलिमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, आर्बिट्ररी एलिमेंट्स यूज करते हैं टू इंडिकेट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट विद सम स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है, विद सम स्पेसिफाइड कंडीशन। और जो कंडीशन है उस सेट के हर एलिमेंट, जो उस सेट का जो हर एलिमेंट है उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है। कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, हमारे पास जो है वो एक सेट है, दैट इज सेट ए इज इक्वल्स टू, यहां पे आप लिखते हैं 2, 4, 5 and 6, ठीक है, 2, 4, 5 या फिर 2, 4, 6 and 8, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कैसे एलिमेंट्स है, इवन नेचुरल नंबर्स है, वो कैसे एलिमेंट्स है, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इवन नेचुरल, 2, 4, 6, 8 आर इवन नेचुरल नंबर। तो ये तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। हमें अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो जस्ट अभी हमने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म इज अ फॉर्म इन विच द आर्बिट्री एलिमेंट इज यूज विद द सम स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस ए
इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू, यहां पे आप लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट, ठीक है, सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स इज अ इवन, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, नंबर लेस देन, लेस देन एट, सॉरी लेस देन टेन, लेस देन टेन। तो आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, ये जो सेट है, ये दोनों सेट सेम, ये दोनों सेट जो आपको दिख रहे हैं ना वो सेम है, सिर्फ हमने यहां पे क्या किया हुआ है, इसको यहां पे हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में थे वो सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए और उनको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट में अगर हमने उसको इंक्लोज कर दिया तो उसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। और इसी को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू एन, वे जो एक्स का जो वैल्यू है वो कैसा है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, even natural number less than 10, मतलब 10 के पहले जो भी natural numbers आते हैं वो, तो यहाँ पे जो x का value होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, even natural number होगा और वो 10 से less होगा। तो 10 से less हमारे कौन से numbers हो सकते हैं बच्चों, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है, ठीक है। तो this is called the set builder form. So in set builder form We use the one or more arbitrary variables, ठीक है, ये जो x है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है, such that वहां पे हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, उस सेट के सारे एलिमेंट्स ने क्या करना चाहिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है या फिर फेल हो जाता है तो उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए कि x is equals to आपने 10 लिया हुआ है ना, x is equals to आपने 10 लिया हुआ है, तो ये थे x is equals to 10, इस एलिमेंट x a का मेंबर होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपने यहां पे x is equals to 10 लिया हुआ है, ठीक है, बट ये कंडीशन यहां पे क्या बोल रहा है कि x जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, बट वो कैसा है, लेस देन 10 है, मतलब 10 से कम है, ठीक है, बट यहां पे क्या लिया हुआ है, x is equals to 10, सो इन दिस केस व्हाट वी कैन राइट, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, X is not the member of A. Why it is not the member of A? Because it does not present in A. ठीक है, ये इस condition को satisfy नहीं कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपने X is equals to 8 लिया हुआ है ना, X is equals to आपने क्या लिया हुआ है, 8 लिया हुआ है, so we can see this, X is equals to 8, 8 is a even natural number. 8 जो है हमारा क्या है, इवन नेचुरल नंबर है और वो कैसा है, लेस देन 10 है, और अगर वो 10 से लेस है तो बच्चों क्या होगा, x बिलोंग्स टू a, वी कैन राइट हियर x बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो बच्चों ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग करली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं, उसे कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम कोई भी आर्बिट्री वेरिएबल यूज करते हैं जो एक स्पेसिफाई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स और हम इसे लेने की कोशिश, एक दो एग्जाम्पल्स और इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, a इज इक्वल्स टू यहां पे, ठीक है, a इज इक्वल्स टू हमने यहां पे लिया हुआ है, ठीक है, 2, 3, 5 and 7, ठीक है, 2, 3, 5 and 7, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा रेस्टर रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इस एलिमेंट्स को, अगर इस एलिमेंट्स को हमें समझना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर्स क्या है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स है या फिर रियल नंबर्स है या फिर रैशनल नंबर्स है या फिर इंटीजर्स है। बट यहां पे आप देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 हैव अ यूनिक कॉम्बिनेशन, ठीक है, हैज द यूनिक कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन, दिस दे आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है वो हमारे कैसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स समझने के लिए बहुत आसान सा एक तरीका है कि प्राइम नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो 1 से ग्रेटर हो, ठीक है, कैसा हो, ग्रेटर देन 1, जो कैसा हो, 1 से ग्रेटर हो। और सेकंड कंडीशन जो होता है वो क्या होता है, whose only factors are 1 and itself,
वन एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कैसा होता है, ग्रेटर देन वन होता है, और उसके जो फैक्टर्स है वो हमेशा क्या हो गए, वन, और वो खुद उसका फैक्टर होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टू जो है वो ग्रेटर देन वन है, टू इज ग्रेटर देन वन, और टू के ओनली पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, टू इंटू वन, है ना। टू के ओनली पॉसिबल फैक्टर्स हमारे क्या है, टू इंटू वन, किसी और इसमें हम उसको फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको थ्री दिख रहा होगा। ठीक है, थ्री भी कैसा नंबर है, थ्री इज ग्रेटर देन वन, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, थ्री इज ग्रेटर देन वन, और अगर थ्री ग्रेटर देन वन है और थ्री के अगेन टू ही फैक्टर, एक ही फैक्टर पॉसिबल है, कौन सा फैक्टर पॉसिबल है, थ्री इंटू वन, और कोई फैक्टर इसका पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, सो वी कैन सी दिस थ्री इज अ प्राइम नंबर। सिमिलरली फाइव इज ग्रेटर देन वन, फाइव हैज द ओनली वन फैक्टर दैट इज फाइव इंटू वन, ठीक है, एंड सेवन हैज अ फैक्टर दैट इज सेवन इंटू वन, ठीक है, सो वी कैन सी टू थ्री फाइव एंड सेवन आर दी प्राइम नंबर, सॉरी आर दी प्राइम नंबर्स। ठीक है, देन इफ सपोज इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, उसको कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं, और उन्हें हम क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, एक आर्बिट्री वेरिएबल यूज करना होता है फॉलोड बाय दी सम कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, प्राइम नंबर्स, द मेंबर्स मस्ट बी, एलिमेंट्स मस्ट बी प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कैसा है, कहां तक है, सेवन तक है, सेवन के बाद का प्राइम नंबर जो है होता है, सेवन के बाद का जो प्राइम नंबर होता है नाइन। ठीक है, सेवन के बाद का प्राइम नंबर क्या होता है, नाइन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या आप नाइन भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, सेवन है, तो हम लिखेंगे लेस देन एट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू एक्स, है ना, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर less than 8, ठीक है, x is a prime number less than 8, we can see 2, 3, 5 and 7, so we can see 7 is less than 8, so इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, a is equals to x such that x is a prime number less than 8, ठीक है, इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो x आपको दिख रहा है, this x is a element of a, है ना, ये जो x आपको दिख रहा है, this x is a element of a, that is x is a element of a if and only if, तो बच्चों कंडीशन हमने यहाँ पे क्या लगाया था, ठीक है, कंडीशन हमारा क्या था कि x is a prime number less than 8, x जो है वो कैसा prime number है, less than 8 है, so we can write here this x is a member of a, x belongs to a if and only if, if and only if x is a prime, x is a prime less than 8, x जो है वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, और वो प्राइम नंबर कैसा है, लेस देन 8 है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे x is equals to जो 9 लिया हुआ है ना, x is equals to आपने क्या लिया हुआ है, 9 लिया हुआ है, तो x भी जो है वो कैसा है, प्राइम नंबर तो है, x जो है हमारा क्या है वो प्राइम नंबर तो है, बट यहाँ पे ये लेस देन 8 है क्या, नहीं है, लेस देन 8 हमारा नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस x does not belongs to, ठीक है, this x does not belongs to a if we take the value of x is equals to 9, अगर हम x का value जो है वो 9 लेते हैं तो वो क्या होगा, a का member नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला है, this x belongs to a if and only if x is a prime number less than 8, which is less than 8, ठीक है, और मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे x is equals to 5 लिया हुआ है, है ना, मान लीजिए आपने x is equals to 5 लिया, तो 5 is again a prime number, as it is a prime number it must be the member of a, why it is member of a, because it is satisfying this condition which is less than 8, 5 is less than 8, again it is prime number, so we can see this x is equals to 5 belongs to a, ठीक है, तो ये जो दो form होते हैं बच्चों, ठीक है, ये जो form है इसे हम roster form कहते हैं, और ये जो form है इसे हम लोग set builder form कहते हैं, ठीक है, थीके?